न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल्स पेरू, आपके ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए जो फर्स्ट टर्म की ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं इसके लिए दिशा निर्देश जारी करता है। इन दिशा निर्देशों का अनुपालन करें। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल मीट ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। यदि इसमें कोई समस्या आती है तो दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इन परीक्षाओं के लिए गूगल मीट ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। यदि विद्यार्थी ऐसा नहीं करते हैं तो उनके 20% नंबरों को काट दिया जाएगा। यदि चीटिंग करते हुए पाए गए कोई विद्यार्थी, धोखाधड़ी करते हुए पाए गए, तो उनके 10% मार्क्स को काट दिया जाएगा। दो स्टूडेंट्स विल नॉट अपीयर इन एग्ज़ाम, ऐसे विद्यार्थी जो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें फेल, असफल घोषित किया जाएगा। इसलिए सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि गूगल मीट ऐप को डाउनलोड करें और इन परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने में सहयोग करें। गूगल मीट ऐप का उपयोग कैसे करना है इसके लिए आपको जो दिशा निर्देश आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिए गए हैं उसके सबसे नीचे इस तरह से इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। आपने जैसे ही इस लिंक पर डाउनलोड के लिए क्लिक करना है तो आप प्ले स्टोर में आ जाएंगे और प्ले स्टोर में आते ही आपको इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। आपने यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन ओके करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे इस ऐप को, इंस्टॉल होने के बाद ये आपकी स्क्रीन में अपेयर हो जाएगी इस तरह से। जब मीटिंग शुरू करनी होगी तो मीटिंग शुरू करने के लिए आपको इस तरह से यूआरएल कोड आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा जिसमें लिखा होगा मीटिंग यूआरएल। आपने इस पर क्लिक करते ही, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आप गूगल मीट ऐप को रिडायरेक्ट हो जाएंगे और आप मीटिंग ज्वाइन कर जाएंगे। जैसे ही आप मीटिंग को ज्वाइन करेंगे आपकी स्क्रीन इस तरह से दिखेगी जिसमें दो ऑप्शन होंगे, माइक और कैमरा का। और इस तरह से जो मीटिंग के मेंबर्स होंगे वो आपको सेंटर में दिखेंगे और सेंटर में ये आपको मैसेज ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले आपने यहाँ अपना नाम, कक्षा और रोल नंबर लिखना है। सबसे पहला काम मीटिंग ज्वाइन होने के बाद आपने यही करना है, अपना नाम, कक्षा और रोल नंबर इसमें लिखना है। आपका कैमरा पेपर शुरू होने से पहले ऑन हो जाना चाहिए और उसमें आपको जो सील वाली नोटबुक दी हुई है वो आपने हमें दिखानी है कि आपने उस सील को ब्रेक नहीं किया है। थ्रू आउट द एग्ज़ाम आपका कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।